ख्वाब में मुसलसल सांप आता है, मुझे और मेरे छोटे बच्चों को भी, इसका हम क्या करें? स्प्रे लेके सोया करें साथ में। मैंने बताया ख्वाबों को ज्यादा लिफ्ट ना कराया करें। जब दिन में इंसान परेशान होता है ना, तो ख्वाब में सांप बिच्छू आते हैं। तो जिन खातून को रोजाना ख्वाब में सांप आ रहे हैं, ये भी परेशान हैं और इनके बच्चे भी परेशान हैं। परेशानी बाज दफा या तो ससुराल की तरफ से होती है, या शोहर की तरफ से होती है, या कोई माली परेशानी होती है। बाज दफा सेहत की वजह से इंसान परेशान होता है। नहीं, कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन सेहत खराब होती है। ये जो हम, जब हमारे बॉडी में बहुत सी चीजें जो एबनॉर्मल होती है ना, सोते हुए में वो अपना किसी तरीके से अपने आप को पेश कर देती हैं। वो पेट में जब भी गैस होगी, ड्रोने ख्वाब लाजमी आएंगे। ये बता दूं मैं आप, मैंने बताया ना कि मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करूंगा, जो है वो इंशाल्लाह वो बताऊंगा आप। जब भी पेट में गैस होगी और आप सोएंगे, कब्ज होगा, तो ख्वाब कभी भी सीधे नहीं आएंगे। आपको चुड़ैले भी आएंगी, बंदर भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। आप कभी बिल्डिंग से गिर रहे होंगे और सड़क पे पहुंचने से पहले आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आंख खुल जाएगी। ये होता है। तो लोग इनकी ताबीरों में लग जाते हैं। तो इतना ज्यादा इनकी इन ख्वाबों से, दो गोली कारमीना गर्म पानी के साथ रात को खा के सोए तो ये ख्वाब इंशाल्लाह, हकीकत बता रहा हूं। इसी तरह जिस कमरे में आप सो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है उसमें, चारों तरफ से पैक है, ड्रोने ख्वाब आएंगे लाजमी। रोजाना आपको ऐसा ख्वाब आएगा जैसे कोई गला घोट रहा है या आप गिर रहे हैं। क्योंकि जिस्म जब परेशान होता है ना, तो ख्वाब में वो जाहिर, वो कुछ जो है ना, वो आलम मिसाली, यानी उसकी सूरत मिसालिया बन के पेश होना शुरू हो जाती है। तो ये देखें अपने इर्द गिर्द, या तो ससुराल से कोई परेशानी है तो उसको हल करने की कोशिश करें, मियाँ साहब की तरफ से कोई परेशानी ऐसी खातून को मिल रही है तो मियाँ साहब को समझाएं, वो अपनी हरकतें ठीक कर लो ताकि मुझे ख्वाब में सांप बिच्छू आना खत्म हो जाए। यानी आप इतनी जहनी टेंशन दे रहे हो। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो देखें कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, बीपी तो नहीं हाई हो जाता सोते हुए बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें इंशाल्लाह अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। ख्वाब में, फिर वही ख्वाब आ गया भाई, मकड़ी और शेर आने का क्या मतलब है? वही मतलब है जो मैंने अभी बताया।